हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय, जो हमारा 7th चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंब की क्षेत्र, इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उससे आप वहां से देख सकते हैं, तो आपकी जो थ्योरी है वो इस चैप्टर की वो कंप्लीट होती रहेगी। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज के वीडियो सेशन में आज के टॉपिक की ओर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या होता है लॉरेंज बल? देखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है। जिस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र B और आवेशित कण की गति की दिशा दोनों के क्या होती है? लंबवत होती है। इस चित्र के अनुरूप हम आपको समझना इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए खुली हुई किताब ऐसे है ना, इस तरीके से, और इस खुली किताब में ये दो आपके जो है तल बन रहे हैं, एक तल ये है और एक आपका खड़ा हुआ तल है। तो इसके किसी बिंदु से आपने इस वाले रेखा को एक्स अक्ष मान लिया, और जो ये पड़ी हुई रेखा इसको वाई अक्ष मान लिया, और खड़ी हुई रेखा को क्या मान लिया? जेड अक्ष मान लिया। और ये हम मानते हैं कि एक्स अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। एक्स के अनुदिश क्या है? बी है। बी माने चुंब की क्षेत्र है। और ये आवेश क्यू क्या है? ये धन आवेश है। ये क्यू आवेश कैसा है? ये धन आवेश है। और ये वाई की दिशा में गतिमान है। वाई की दिशा में क्या है? गतिमान है। तो एक्स और वाई अक्ष के बीच परस्पर 90 अंश का कोण बनेगा, और जो आवेशित कण v वेग से गतिमान है, आवेशित कण कितने वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि अगर पहली उंगली, इन तीनों उंगलियों को परस्पर, समझिए क्या है बाएं हाथ का नियम, यदि अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी उंगली धारा आई की दिशा को निरूपित करती है, तो अंगूठा किसको निरूपित करेगा? चालक पर लगने वाले बल को निरूपित करेगा। तो यहां पर इस तरीके से देखिए, अगर मान लिया ये क्यू आवेश है और ये धनात्मक है, ये वाई की दिशा में, इस दिशा में गतिमान है, तो इस दिशा में धारा गतिमान हो जाएगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो जाएगी, तो ये जो परपेंडिकुलर ये है अंगूठा, इस तरीके से ये किसकी दिशा को दर्शाएगा? ये यहां लगने वाले बल, ये कौन सा बल होगा? इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ये लॉरेंज बल एफ को दर्शाएगा। तो इस स्थिति में जो लॉरेंज बल होता है उसका परिमाण जो होता है, देखिए इस एफ का मान क्या होगा? इस एफ का मान जो है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों के सदिश गुणनफल के बराबर, और चूंकि आवेश क्यू लिया गया है तो उस आवेश के गुणनफल के भी बराबर होता है। देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका और इसका जब हम सदिश गुणनफल लेंगे तो वो वी वी साइन 90 होगा। वी वी क्या होगा? साइन 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र बी और आपका चालक की गति की दिशा, आवेश की गति की दिशा जो है, दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तो दोनों का ये सदिश गुणनफल BV होगा, और इसको आवेश से गुणा कर देते हैं, इसके मान के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी स्थिति के, ये आपको पहली स्थिति समझ में आ गई होगी, एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। एक्स अक्ष
चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, और क्यू जो है ये क्यू आवेश है, और वी क्या है ये गतिमान आवेश की दिशा, इसको आप लिख लीजिए अगर और आप डिटेल में लिखना चाहें तो, ये क्या है गतिमान आवेश की दिशा है कौन सी, ये ठीक है। अगर ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तो लगने वाले बल F का परिमाण QVV होगा। अब दूसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये जो दूसरा यही चित्र है, मान लिया कि इसमें जो आवेश है वो आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान होता, अब वो Y की दिशा में गतिमान नहीं है, ये क्या है गतिमान आवेश की दिशा, ये क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र किसकी दिशा है B की, और ये गतिमान आवेश की दिशा है। इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, अगर इन दोनों के मध्य बेटा थीटा कोण बनता है, कितना कोण बनता है थीटा बनता है, तो ऐसी स्थिति में, तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल F होगा, F क्या है लॉरेंज बल है, कौन सा बल है लॉरेंज बल है, इस F का मान क्या होगा Q से तो गुणा करना ही है, और इन दोनों का स्केलर गुणनफल V और B का स्केलर गुणनफल क्या होगा इसके बीच में, सॉरी स्केलर नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर सदिश गुणनफल, तो वो VV साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मान क्या आ गया F बराबर QVV साइन थीटा, ये क्या आ गया F बराबर QVV साइन थीटा। इसको आप और किताबों में कहीं पर ऐसा भी लिखा देख सकते हैं Q डॉट V क्रॉस B, ऐसे भी ये लिखा जाता है ठीक, आपकी बुक में इस नहीं है लेकिन इसको आप और आगे क्लासों में जब पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात समझनी क्या है कि जहाँ थीटा क्या है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र B तथा गतिमान आवेश की दिशा के मध्य कोण है ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम थीटा कहते हैं। अब अगर आपसे लॉरेंज बल की परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है ठीक है, तो आवेशित कण जब गति करता है तो उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है और वो बल ही क्या कहलाता है लॉरेंज बल कहलाता है, क्या कहलाता है लॉरेंज बल कहलाता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चालक की गति की दिशा के लंबवत होती है, और ये दोनों दिशाएं जो होती हैं जो है बल की दिशा जो है में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और आवेशित कण की गति की दिशा होगी, ये दोनों एक तल में होंगे और इन दोनों से वो क्या होगा बल F क्या होगा लंबवत होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या आपको पढ़ना है, पढ़ना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की दिशा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति की दिशा, अब जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाले जो बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा के कारण गति कैसे परिवर्तित हो जाएगी, और जब समांतर प्रवेश करेगा और जब लंबवत प्रवेश करेगा, तो इनको अब आपको पढ़ना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति की दिशा क्या होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, पहला पार्ट इसका है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि थीटा जो होता है, चूंकि थीटा बराबर जीरो, चूंकि थीटा क्या है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चालक की गति की, या चालक या आवेश लिखिए आप, या आवेश की गति की दिशा के मध्य कोण है ठीक है भाई। तो हम वैसे लॉरेंज बल क्या होगा, लॉरेंज बल
होता है f बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, तो क्यू वी वी साइन जीरो रख देंगे तो f का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तात्पर्य यह निकला कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। तो हम इसको लिखेंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो आवेश पर कोई बल कौन सा बल है, कोई चुंबकीय बल जिसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कार्य नहीं करता है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसको बेटा अगर हम भाषा में थोड़ा बदल करके कहें तो ये हम कह सकते हैं कि कोई आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या चुंबकीय क्षेत्र के ऋजु रेखीय है, ऋजु रेखीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता, ये हमारा दूसरा पॉइंट हम हेडिंग डाल रहे हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के कैसे लंबवत क्या कर रहा है, प्रवेश या लंबवत गति कर रहा है, लंबवत गति करता है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसकी उसका पथ कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, जो क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो ये दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत, जैसे सिलाई मशीन की निब होती है वो क्या करती है, उस अपने प्लेटफॉर्म पर लंबवत अंदर की ओर होती, तो उसी तरीके से कागज तल के लंबवत जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अगर दिष्ट है, ये मान लिया चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से कागज तल के लंबवत दिष्ट हो गया तो यहां पर जो आवेशित कण इधर से प्रवेश करेगा तो ये उसके गमन पथ की दिशा होगी, यहां पर ऋजु रेखीय दिशा नीचे की ओर, सॉरी लंबवत कहेंगे उसको, ठीक है, स्पर्श रेखीय या दूसरे शब्दों में ऐसे होगी और यहाँ पर गति की दिशा इस तरीके से होगी। चूंकि देखिए चूंकि इसमें जब बाएं हाथ की हम नियम लगाएंगे ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आपका नीचे की तरफ दिष्ट है, देखिए इस बिंदु पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर दिष्ट है, ये उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये आवेशित कण के गति की दिशा हम धनावेश मानते हैं तो ये ऊपर की ओर धारा की दिशा हो जाएगी तो ये बल अंदर की ओर लगेगा। इसी तरीके से हर बिंदु पर बल का मान क्या होगा, वो अंदर की ओर लगेगा और जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उस पर बल अंदर की ओर लगने लगे तो वो स्वतः क्या होती है, एक वृत्तीय पथ पर घूम जाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि माना धनावेश Q, ठीक ये चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, चुंबकीय
क्षेत्र बी, माना धनावेश Q चुंबकीय क्षेत्र बी के बिंदु P पर, इसमें कोई आप बिंदु P मान लीजिए, मान लिया यहां से मान लिया के के बिंदु P पर लंबवत क्या कर रहा है, प्रवेश करता है, तो कण पर कार्यरत चुंबकीय बल माने लॉरेंज बल, बेटा क्या होगा लॉरेंज बल, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, और यहां कामा थीटा बराबर 90 माने F बराबर क्यू वी बी हो गया। बाकी चीजें आपको पता है, F बल है, Q आवेश है ना, और तो इस तरीके से कार्यरत बल हो गया है। अब चूंकि हम लिखेंगे कि कण क्या होता है, वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि आवेशित कण क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करता है, अतः क्या लिखेंगे, अतः आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर में जो है हम देखते हैं M क्या है, M आवेशित कण का द्रव्यमान है, क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान है, R क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे कि चुंब या लॉरेंज बल बराबर लॉरेंज बल बराबर अभी केंद्र बल, लिखते हैं दोनों के मान, लॉरेंज बल क्यू वी वी होगा, अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर बाई आर है, ये एक बी कटेगा, इसका एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम R का मान निकाल लेंगे, R बराबर एम वी अपान क्यू वी होगा, R बराबर क्या होगा, एम वी अपान क्यू वी होगा। R क्या होता है, वही वृत्तीय पथ जिस पर आवेशित कण घूमने लगता है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई एम बी बाई क्यू बी हो गया। तो इस तरीके से आपको यह समझना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है वो क्या करने लगता है, लंबवत प्रवेश करने लगता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसका जो गमन पथ है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या R बराबर एम बी अपान क्यू वी आ गई, हमें पता है कि ये हेडिंग आप यहाँ से हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता, हमें पता है कि एम बी क्या होता है, आवेशित कण का एम बी क्या है, आवेशित कण का संवेग है, जहाँ लिखे जहाँ एम वी आवेशित कण का संवेग है, अतः वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए बोर्ड का सिस्टम यह चलता है,
अब इसको इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहीं लॉरेंज बल का नाम ही ना आए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि कैसे सिद्ध करोगे। बोर्ड में हर साल दो चार नंबर का क्वेश्चन के अंदर से जो आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उसी से पॉइंट निकाल करके क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाता है। अब आप ऐसे पूछा जाए कैसे सिद्ध करोगे कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आवेशित कण की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती, तो ये यहाँ पर ला करके आपको लिख देना आर प्रोपोर्शनल टू एम वी होती, क्योंकि वो आवेश और वो चुंबकीय क्षेत्र दोनों फिक्स हो जाएंगे जिनमें आप उसको प्रवेश कराएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से बात आ गई। अब हम लिखेंगे कि कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। कण गति करेगा तो कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसकी, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। इसको हम क्या लिख लें, आवेशित पूरा लिख लीजिए, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप लिखें तो v बराबर अंडर, देखिए बेटा ये इधर 2k हो जाएगा ऊपर, m नीचे हो जाएगा और v स्क्वायर है उसका रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको क्या मान लें, इसको हम समीकरण मान लो एक मान लें। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण एक से, भाई समीकरण एक से r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको थोड़ा सा आप समझना है, r बराबर m मान रख दिया और v का मान क्या होगा 2k अपान m और होल अपान आपका चलेगा क्यू वी, ये वाला एम कटेगा तो इसके ऊपर क्या होगा रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आर का मान है आपका आर बराबर टू एम के, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा अपान क्यू वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपान क्यू वी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे तरीके से इसको लिखें कि माना आवेशित कण जो है Q को V वोल्ट, क्या है V वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है तो अर्जित गतिज ऊर्जा, ऊर्जा ये ऑब्टेंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपने पढ़ा है क्यू वी होती, क्या होती है के बराबर क्यू वी। अब हम ये मान रख देंगे यहाँ आर के टर्म्स में, देखिए टू एम और के की जगह पर हमने क्यू वी रख दिया, ये बेटा वी क्या है कैपिटल वी है, जिस विभव से आवेश को क्या किया गया है त्वरित किया गया, और यह आपका पूरा रूट में रहेगा, नीचे आपका क्यू और बी रहेगा, तो ये वाला जब क्यू कटेगा तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा रूट लगाना पड़ेगा। तो यहां से ये त्रिज्या का व्यंजक रहेगा आपका, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो दूसरा आपका व्यंजक होगा उसको हम थोड़ा सही करते हैं, ये आपका अंडर रूट टू के बाई एम हो गया, और दूसरा जो व्यंजक होगा आर का वो आपका लास्ट जो है हम उसको लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा टू वन बाई बी, बाहर निकाल लीजिए इसको। ठीक है, और जितना रूट में है वो टू एम वी, ये कैपिटल वी है अपान क्यू, इस तरीके से ये व्यंजक आ गया। अभी इसमें दो टॉपिक और हैं उनकी भी चर्चा हम करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कण के, कण का परिक्रमण काल तथा आवृत्ति की तरफ। अब देखिए हमने मान लिया कि कण का परिक्रमण काल t है, ठीक, तो लिखते हैं कि माना कण, कण क्या है आपका, ये आवेशित कण ही है कोई दूसरा कण नहीं, आवेशित कण का परिक्रमण काल बराबर t है, तो t बराबर परिक्रमण काल बराबर क्या हो गया t हो गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। परिक्रमण काल माने एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी, दूरी क्या होगी परिधि के बराबर 2 पाई r हो जाएगी, और चाल क्या हो जाएगी v हो जाएगी। ठीक है,
तो 2πyv r का मान रखते हैं। सबसे पहले अभी आपने r का मान क्या निकाला था, r बराबर mv, mv अपॉन जो है वो qv था, तो यहां से ये vv क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया 2πm और अपॉन qv, तो ये आपका t बराबर 2πm अपॉन qv, ये मान किसका आ गया जो है, ये आपका परिक्रमण काल का मान आ गया। किसका मान आ गया, परिक्रमण काल का। अब हम आवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति क्या होती है, सदैव परिक्रमण काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यहां हम लिखेंगे कि आवेशित कण की आवृत्ति, तो आवृत्त n बराबर एक बटा टी, टी माने आवर्त काल, तो बेटा हमने इसमें मान रखा एक बटा 2πm बाई क्यू वी, तो आवृत्त n बराबर आ गई आपकी क्यू वी अपान 2πm, क्यू वी अपान क्या आ गया 2πm, तो ये कण की आवृत्ति का व्यंजक आ गया। तो इस वीडियो सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो सेशन में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा लॉरेंज बल क्या होता है। अब लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर जो है जो बल कार्य करता है उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण समांतर प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे प्रवेश करेगा, समांतर प्रवेश करेगा, तो जो उसका गमन पथ है तो उस कण पर क्या बल लगेगा, उस कण पर कोई बल नहीं लगता है, उस पर F का मान जीरो होता है, इसलिए जैसे कण प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर प्रवेश करा तो सीधा निकल जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और उस पर कार्यरत, उस पर आरोपित बल का मान शून्य है तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा। और दूसरा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका गमन पथ क्या हो जाएगा, वो वृत्ताकार हो जाएगा। जो ये आपको पूरा ये याद करके चलना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ क्या हो जाता है, वो वृत्ताकार हो जाता है, और वृत्ताकार होने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, उसकी त्रिज्या के विभिन्न पदों के व्यंजक क्या क्या होंगे, ठीक, उसका आवर्तकाल क्या होगा और उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी त्रिज्या ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के पदों में क्या होगी, दिए गए विभवांतर के पदों में क्या होगी। आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। इस COVID-19 महामारी के दौर में आपको ऑनलाइन ही पढ़ करके आपको अपने बेस को मजबूत रखना है, क्योंकि कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड आपको रिलीफ दे सिलेबस का, लेकिन जब कंपटीशन होगा तो उसमें आपको सिलेबस की रिलीफ नहीं मिलेगी, उसमें आपको पूरा प्रिपेयर करके फिर कंपटीशन क्वालिफाई करना होगा। इसी विश्वास के साथ हम आप बने रहेंगे, लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए और साथ बने रहिए।